बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ ताहिर महमूद और आज आपसे शेयर करूँगा मैं चना बिरयानी रेसिपी। इजी चना बिरयानी तैयार करेंगे। अक्सर आपने चना बिरयानी मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात में ज़रूर देखी और ट्राई की होगी। हम आपको बताएंगे कि ये मज़ेदार स्पाइसी और चटपटी चना बिरयानी पकवान एंड कैटरिंग पे कैसे तैयार की जाती है। हाशिम पकवान एंड कैटरिंग की ये रेसिपी है। इनका एड्रेस है अमाम बारगा काजमैन सादात कॉलोनी शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 कराची। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म की रेसिपी, वो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पकवान सेंटर की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कितना लगेगा अरशद भाई? एक किलो कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया हमने। एक किलो जब हम बाद में राइस बॉयल करके शामिल करेंगे उस वक्त भी शामिल होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1/2 kg, और हमने अदरक लहसुन को कीमे वाली मशीन से गुजारा हुआ है, इसलिए साथ थोड़ा सा पानी भी आ रहा है। अगर आप ड्राई अदरक लहसुन शामिल करें तो फिर लास्ट में आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके मसालों को भूनना है। नमक शामिल कर देंगे हसबे जायका। कटर मिर्च शामिल कर देंगे। चिली फ्लेक कितनी होगी? ये 100 ग्राम। लाल मिर्च जी, पिसी मिर्च सही। लाल मिर्च पाउडर ये कितना होगा अरशद भाई? 100 ग्राम के करीब ये भी शामिल कर देंगे। तो 200 ग्राम हमारे पास चिली हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी का आर्डर था, तो इसलिए मिर्च मसाले का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 1 kg की रेसिपी मेंशन कर देंगे, उसमें हम आपको 1 kg के हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स रिटर्न कर देंगे। ग्रीन चिली शामिल कर देंगे। साबुत हरी मिर्च कितनी होगी? तो 50 ग्राम हमने शामिल कर दी है हरी मिर्च साबुत। टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 किलो सही। तो इसमें साबुत गर्म मसाले शामिल नहीं हुए? नहीं, सारे पिसे हुए लगेंगे आखिर में जब कोरमा तैयार होगा। सही, ठीक। तो लें जी, पिसे हुए गर्म मसाले हम शामिल करेंगे, जो मिक्स गर्म मसाला होता है। साबुत गरम मसाले शामिल नहीं होंगे, कम से कम मसाले चुनने से तो जान छूटेगी। आग जला लेंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने शामिल किया था उसमें पानी मौजूद था, वो पानी अच्छी तरह से ड्राई होने तक और आयल के ऊपर आने तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से तमाम मसालों को भून लिया है। देख सकते हैं आयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और इसमें थिकनेस भी आ चुकी है। एक दानेदार किस्म का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। सही, तो अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी कितना लगेगा? 5 किलो। एक डब्बा हम पानी का शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम आलू और चने भी शामिल कर देंगे। देख सकते हैं आप, जो आलू है हमारे कच्चे हैं और चने जो हैं उबले हुए हैं। अरशद भाई कितने कितनी मिकदार है दोनों की? आलू 4 किलो, चना जो है वो 2 किलो है उबला हुआ। आलू कच्चे हैं, चने जो हैं फुल टेंडर हैं। तो अभी इसको मज़ीद कितनी देर तक भूनेंगे? सही, अभी हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक एक उबाला देंगे। सही, तो एक उबाला इसको आने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के दौरान। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर गरम मसाला, हरे मसाले लगेंगे। सही, तो हरे मसाले भी शामिल करेंगे, कवर कर देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। 5 से 7 मिनट उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आ चुका है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा हम इसको कवर करके इसको दम पे रखेंगे, यानी कि दम पे रखेंगे हल्की आंच के ऊपर, ताकि हमारे जो आलू हैं वो ऑफ डन हो जाएं। आग अभी कम होगी अरशद भाई? सही,
आग का फ्लेम आप देख सकते हैं पहले हाई था, अभी हमने आग का फ्लेम बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। 5 से 7 मिनट मज़ीद अभी हम इसको हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी तकरीबन 50-70% तक डन हो जाएं, गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हल्की आँच के ऊपर हमारे आलू चना को दम पर रखे हुए। कवर अभी हमने इसका रिमूव कर लिया है और हमारे जो आलू हैं वो यकीनन जो है वो 50% तक हाफ डन हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। थोड़ा दिखाएं इसको, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हाफ डन है। बाकी हम इसको 10 से 15 मिनट जब हल्की आंच के ऊपर राइस शामिल करने के बाद दम पे रखेंगे तो ये फुल डन हो जाएंगे। पानी भी आप देख सकते हैं हमने जो 5 लीटर के करीब पानी शामिल किया था उसमें भी तकरीबन 1 लीटर के करीब ड्राई हो चुका है, 4 लीटर पानी मौजूद है। इस 4 लीटर की वजह से हमें फिर राइस को 20% कच्चा छोड़ना होगा ताकि इस पानी में वो 80% राइस को हम टेंडर करके शामिल करेंगे, जो 20% होंगे वो यहाँ पानी में जो है वो तैयार भी हो जाएँ और कौरमा जो है हमारा मसाला नीचे भी ना लगे, जले भी ना। तो अभी हम इसकी गार्निश कर देंगे। 1 किलो हमने टमाटर लिए हैं, 1 गड्डी धनिया की, 1 गड्डी पुदीना की और 8 से 10 अदद लेमन बारीक स्लाइस में काट के तमाम चीज़ों को हमने यहाँ शामिल कर दिया है। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, यहाँ पे 100 ग्राम आलू बुखारा शामिल कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 दाने हमने आलू बुखारे के शामिल किए हैं और इनका जो वेट है तकरीबन 100 ग्राम के करीब बनता है। और गरम मसाला पाउडर हमने शामिल किया है 100 ग्राम, हमने साबुत गरम मसाले इसमें शामिल नहीं किए थे। ये क्या चीज़ है? कुटी मिर्ची, कुटी हुई मिर्च है, सही सही। चिली फ्लेक अभी हमने मज़ीद शामिल कर दी है एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट के लिए। और अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाले स्टार्टिंग में शामिल कर सकते हैं, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी वगैरह, बादियान के फूल। तो फिर इस स्टेज पे आके आपको गरम मसाला पाउडर जो है वो कम शामिल करना होगा, करीबन 20 से 30 ग्राम। तो इसलिए हमने 100 ग्राम शामिल किया, हमने ज़्यादा इसमें साबुत गरम मसाले शामिल नहीं किए थे। दही शामिल कर देंगे 1 किलो, बीट किया हुआ दही है, ये एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा इसके शामिल करने से। आग जो है वो हमने बिल्कुल 0 फ्लेम पर कर दी है नीचे ताकि ये जो इसमें मौजूद पानी है वो ड्राई ना हो। अब पसाओ दूसरी साइड आ जाते हैं, यहाँ पसाओ में उबाल आ चुका है पानी में। अरशद भाई कितना पानी लिया था हमने? तो यहाँ पे हमने तकरीबन 20 लीटर के करीब हमारे पास पानी है। दालचीनी शामिल कर देंगे तकरीबन 1 मुट्ठी 25 से 30 टुकड़े और साथ ही साथ हमने नमक भी शामिल कर दी है, 250 ग्राम हमने नमक शामिल किया है 20 लीटर पानी के हिसाब से। राइस जो हमने लिए थे ये सेला राइस थे, 3 घंटे हमने इनको नॉर्मल पानी में भिगो के छोड़ दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले सेला राइस हैं, टोटा और कोना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमने ये सेला राइस थे तो 3 घंटे के लिए भिगो के छोड़े। आग का फ्लेम हाई कर देंगे और राइस शामिल कर देंगे पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके। तो ये हाई फ्लेम के ऊपर कितनी देर तक इनको आप बॉयल करेंगे? सही, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो इनको कच्चा थोड़ा सा छोड़ेंगे ना? थोड़ा सा कच्चा। सही, तो इनको थोड़ा सा कच्चा छोड़ेंगे ताकि एक कनी हम इनमें थोड़ी सी कसर, जी जी जी, एक कसर, एक कनी हम इसमें छोड़ेंगे, एक कसर थोड़ी सी, ताकि वो यहाँ पर कौरमे में डन हो जाए। यहाँ पर भी मौजूद पानी जो है इस पानी को भी हमने ड्राई करना है, तो इसलिए हम राइस को थोड़ा सा कच्चा छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो राइस हैं वो 80% तक डन हो चुके हैं, 20% तक कच्चे हैं, एक कनी में रह गई है। तो अभी हम इनका पानी जो है ड्रेन कर लेंगे, राइस को निकाल लेंगे। सही, तो यहाँ दूसरी साइड आ जाते हैं, इसमें फूड कलर भी शामिल कर देंगे।
करीबन 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे या लुक जैसी आपको चाहिए उस हिसाब से शामिल करें। तो यहाँ पे राइस शामिल कर देंगे अच्छी तरह से राइस का पानी ड्रेन करके। प्लान कर देंगे इनको बिल्कुल आराम के साथ, दबाएंगे नहीं इनको। इस तरह करके पकाया राइस भी हम शामिल कर देंगे और राइस हमने एक साथ ही निकालने हैं। 80% तक जब टेंडर हुए तो हमने राइस एक साथ ही 2 टोकरियों में निकाल लिए थे। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे। आग का फ्लेम पहले हमने बिल्कुल 0 फ्लेम रखा हुआ था, अभी हम आग का फ्लेम भी जो है वो हाई फ्लेम कर देंगे। और इसको कितनी देर पकाएंगे हाई फ्लेम पे? 5 मिनट। सही, तो इसको 5 मिनट पकाएंगे। जैसे ही पतीला स्टीम छोड़ना स्टार्ट करेगा आग का फ्लेम फिर हम 0 फ्लेम कर देंगे, हल्की आंच कर देंगे और इसको मज़ीद हम 10 मिनट दम पे लगा देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद हाई फ्लेम, आप देख सकते हैं इसमें स्टीम निकलना शुरू हो चुकी है। आग का फ्लेम अभी हम बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। देख सकते हैं हमने आग का फ्लेम जो है हल्की आंच कर दी है। और हल्की आंच पे हम इसको कितनी देर तक रखेंगे दम पे लगाएंगे? 3 से 4 मिनट। सही, ऑयल लगेगा। सही, ठीक। तो फिर हम इसको 3 से 4 मिनट इसको दम पे लगा रहे हैं और फिर कवर रिमूव करके इसका कुकिंग ऑयल पर इसके शामिल किया जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच के ऊपर हमारे बिरयानी राइस को दम पे रखे हुए। कवर अभी हमने इसका दोबारा रिमूव कर लिया है और अभी हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1 किलो कह लें, 1 लीटर कह लें। स्टार्टिंग में भी हमने 1 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया था, क्योंकि 8 kg हो, 10 kg हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, तो 2 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लगता है। साथ ही साथ इसके केवड़ा भी शामिल कर देंगे, किसी भी ब्रांड का आप ले लें खुशबू के लिए। तकरीबन 1 कप के करीब हमने शामिल किए। दोबारा कवर कर देंगे और इसी हल्की आंच के ऊपर कितनी देर रखेंगे? 2 से 3 मिनट अभी हम मज़ीद इसको देंगे। तो टोटल इसका जो टाइम होगा दम का तकरीबन 8 से 10 मिनट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 से 4 मिनट मज़ीद हो चुके हैं हल्की आंच के ऊपर और टोटल इसका जो हल्की आंच का जो टाइम है तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुका है। तो कवर अभी हमने रिमूव कर लिया, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ प्यार के साथ हम जो है राइस को मिक्स करेंगे। और देखें माशाल्लाह से हमने 3 से 4 लीटर के करीब पानी था, अच्छी तरह से वो पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारे जो राइस 20% कच्चे थे वो भी यकीनन गल चुके होंगे, अच्छी तरह से माशाल्लाह से नरम हो चुके हैं। बिल्कुल प्यार के साथ इसको मिक्स करेंगे। सही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से राइस की लेंथ कितनी बढ़ चुकी है और चटपटी सी लुक है, मसालेदार किस्म की हमारी चना बिरयानी तैयार हुई है। तो अभी हम सारी देख को मिक्स कर लेंगे। अरशद भाई ओके हो गई है? और यहाँ पे फाइनल लोग देख सकते हैं हमारी आलू चना बिरयानी की, माशाल्लाह से राइस की लेंथ आप देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है, हर दाना निखरा निखरा अलग अलग तैयार हुआ है और जो खुशबू आ रही है सुबहान अल्लाह। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए हम छोटी रेसिपी 1 kg के करीब मेंशन करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।